नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं विद्युतकर के औजार, द टूल्स ऑफ इलेक्ट्रिशियन। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिशियन के पास कौन कौन से टूल्स होने चाहिए इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं द टूल्स ऑफ इलेक्ट्रिशियन। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन के टूल किट में और एक टूल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टूल होता है, वह है हथौड़ा। अंग्रेजी में इसे हैमर भी कहते हैं। हथौड़े का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कीलों को ठोकने के लिए, धातुओं को पीटने के लिए, मोड़ने के लिए किया जाता है और कुछ हथौड़े का इस्तेमाल कीलों को वापस निकालने के लिए भी किया जाता है। मार्केट में आपको अलग अलग आकार के हथौड़े देखने को मिलेंगे। इनका आकार और इनके वजन के आधार पर इनके बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि 500 ग्राम का हथौड़ा, 1 किलो का हथौड़ा। हथौड़ा कास्ट आयरन या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका हैंडल अक्सर लकड़ी का बना होता है। मार्केट में आपको अलग अलग प्रकार के हथौड़े देखने को मिलेंगे जो कि इनके कार्य के अनुसार बनाए जाते हैं, जैसे कि बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, क्लॉ हैमर, स्लेज हैमर, लोहा काटने की आरी जिसे अंग्रेजी में हैक्सॉ कहा करते हैं। लोहा काटने वाली आरी का इस्तेमाल लोहे की पाइप काटने के लिए, लोहे की चादर और चैनल इत्यादि काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह कई प्रकार की होती है। कुछ बारे में हम ब्लेड को एडजस्ट कर सकते हैं और कुछ हैक्सॉ में हम आरी के फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हैं। इनका आकार और बनावट इनके काम के आधार पर की जाती है, इसीलिए मार्केट में आपको अलग अलग प्रकार के आरी देखने को मिलेगी। इस आरी का इस्तेमाल करते समय इस पर दबाव समान मात्रा में होना चाहिए और किसी भी वस्तु को काटते समय उस पर थोड़ा पानी डाल देना चाहिए और किसी भी वस्तु को काटते समय आपको ज़्यादा तेज गति से नहीं चलाना चाहिए और आरी को हमेशा जंग से बचाकर रखना चाहिए। हैक्सॉ ब्लेड के बाद एक दूसरा टूल होता है जिसे छेनी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कोल्ड चिजल भी कहा करते हैं। बिजली का काम करते समय छेनी का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल दीवारों में झीरी लगाने के लिए, ईंटों को तोड़ने के लिए किया जाता है ताकि वहां पर बिजली की तार ले जाने के लिए पाइप लगाई जा सके। यह मार्केट में आपको अलग अलग आकार में देखने को मिलेगी और इसका आकार इसके कटिंग एज के आधार पर बनाया जाता है। छेनी का आकार इसके पकड़ने के आधार पर भी होता है। कुछ छेनी आयताकार आकार की होती है तो कुछ छेनी गोल आकार की होती है। बिजली का काम करते वक्त इलेक्ट्रिशियन के टूल किट में एक दूसरा टूल होता है, उसका नाम है सुआ। अंग्रेजी में इसको पोकर कहा करते हैं। पोकर का इस्तेमाल लकड़ी या बैकेलाइट की सीट में छेद करने के लिए किया जाता है, जिससे कि उस लकड़ी या बैकेलाइट सीट में आसानी से पेज को कसा जा सके। यह अच्छी क्वालिटी के स्टील द्वारा बनाया जाता है जिसका टिप बहुत ही तेज धार वाला होता है और इसका हैंडल अक्सर लकड़ी का या प्लास्टिक का होता है। बिजली का काम करने के लिए जिन टूल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उन सभी का नाम हमने इस वीडियो में बताया है और उनके बारे में आपको जानकारी दी है। इसके अलावा भी कुछ और टूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल बिजली का कार्य
करते समय किया जाता है वह सब हमारे अगले आने वाले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। दूसरे वीडियो में हम बाकी सब इलेक्ट्रिशियन टूल्स के बारे में जानकारी लेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, अपने दूसरे दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है, और यदि आप पहली बार डिजिटल एजुकेशन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी यह चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद।